मालदा डिवीजन केडीआरएम ने मुंगेर एवं जमालपुर स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन परिसर के विकास कार्य की प्रगति का लिया जायजा, साथ ही छठ पूजा में यात्रियों की सुविधा को लेकर स्टेशनों का किया निरीक्षण। मुंगेर पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को जमालपुर एवं मुंगेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जहां अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन परिसर के विकास कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों के साथ कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की। डीआरएम ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम के तहत जो विकास का कार्य मुंगेर एवं जमालपुर रेलवे स्टेशन पर संचालित किया जा रहा है, फेज वन के तहत दिसंबर तक उसे कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्य की प्रगति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आगामी छठ महापर्व की रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की सुविधा को लेकर डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि बिहार में महाछठ को लेकर देश के कोने कोने से लोग बिहार आते हैं, अपने परिवार की छठ करते हैं। वही छठ पर्व खत्म होने के बाद लौटने के क्रम में यात्रियों को असुविधा ना हो, इसको लेकर पूर्व रेलवे मालदा ने पूरी तरह तैयारी की है। इस मंडल में पने वाले मुंगेर, सुल्तानगंज एवं भागलपुर स्टेशनों पर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, भीड़ नियंत्रण रहे आदि का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा यात्रियों की सुविधा को लेकर जमालपुर स्टेशन पर ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर ना बदला जाए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को नहीं जाना पड़े। यात्रियों की भीड़ को लेकर टिकट काउंटर अलग खोलने का निर्णय लिया गया जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि दिवाली का पर्व अभी ख़त्म हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ जो है वो अभी आने वाला है। तो जैसे आप लोगों को संज्ञान में होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव वगैरह में यहाँ पे आ रहे हैं। तो रिटर्न में जाते वक्त भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज ये तीन मेन एरियाज़ हमारे मंडल में पड़ते हैं जहाँ पे लोग जहाँ से रिटर्न होंगे। तो हम लोगों का निरीक्षण करने का आज का पर्पस सिर्फ यही था, ये देखने के लिए कि लौटते वक्त यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्राउड कंट्रोल में रहे, और उसके लिए हम लोगों को जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसके बारे में जो भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं उनका जो है लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या उनको करना है। इस सिचुएशन में हम लोगों ने काफ़ी स्टेप्स भी उठाए हैं उसके लिए। जमालपुर में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो अगर होल्डिंग एरिया को ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म टिकट का सेल हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पर ना आए अनावश्यक रूप से, और ट्रेनें जो हैं उनका प्लेटफॉर्म ना बदला जाए जिससे कि लोगों को लास्ट मोमेंट पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े, FOB वगैरह पूरा क्लियर रहे। साथ ही अगर ज़्यादा रश होता है तो लोगों को टिकट के लिए अलग से काउंटर खोलने की भी हम लोगों ने प्लानिंग की है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, और अन्य और कदम हैं जो कि बेसिकली पर्पस सिर्फ यही है कि अनावश्यक रूप से भीड़ प्लेटफॉर्म पर ना हो और कोई इस तरह की अनहोनी घटना ना होने पाए लोगों के लौटते वक्त। मुंगेर और जमालपुर हम लोगों के अमृत भारत स्टेशन की स्कीम के अंडर में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक निरीक्षण एक समय समय पे किए जाने वाला निरीक्षण होता है जिसमें ये देखें कि जो कार्य की प्रगति है वो ठीक है या नहीं है। और अभी जैसा कार्य मैंने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर माह तक पूर्ण हो जाना चाहिए। काफ़ी कार्य पूर्ण हो चुका है, सब फिनिशिंग स्टेजेस में है, और मुझे लगता है कि दिसंबर माह तक ये अपने जो हम लोगों ने इसका जैसे कल्पित किया था उस परिदृश्य में आ जाएगा ये।